अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों को जो ओल्ड वीडियोस होती हैं उनके हवाले से डिस्कस करूंगा कि ओल्ड वीडियोस के ऊपर जो हमारे थंबनेल लगे हुए होते हैं या हमारी ओल्ड वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई होती हैं तो उनका जो अगर हम डिलीट कर देंगे तो उसका क्या नुकसान है, और इसके अलावा जो हमारे थंबनेल वगैरह होते हैं उसको क्या हम चेंज कर सकते हैं, और उसको चेंज करने के बाद क्या हमारी वीडियोज वायरल हो सकती हैं। तो यही तमाम चीजें जो आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज होती हैं उनकी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को यूट्यूब के हवाले से कुछ ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर काफी वीडियोज जो है यूट्यूब के हवाले से पड़ी हुई है, उसकी एक पूरी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। उसका प्ले लिस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आई बटन में आपको दूंगा, वहां जाकर उन वीडियोज को देखिए। और यूट्यूब के हवाले से काफी सारी टिप्स जो है आपको वहां से मिल सकती है, और आप अपने चैनल को काफी जो है ग्रो करा सकते हैं, आपके चैनल को काफी उनसे हेल्प मिल सकती है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड वीडियोज जो होती हैं यूट्यूब के ऊपर हमारी ओल्ड वीडियोज पड़ी होती हैं जिसे हम डेड वीडियोज समझते हैं, तो कुछ वीडियोज तो ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ओल्ड फोन सी होती हैं। तो उन वीडियोज को अगर आप डिलीट करते हैं तो आप पहली तो ये चीज समझ लें कि उन वीडियोज का जो वॉच टाइम है वो आपका वॉच टाइम जो चला जाएगा। अगर आपका चैनल उन वीडियोज की वजह से मोनेटाइज हुआ हुआ है तो उन वीडियोज को आप बिल्कुल भी हरगिज डिलीट ना करें, उनको बिल्कुल भी ना छेड़ें। अगर आप उन वीडियोस को छेड़ते हैं और उनकी मदद से आपका जो चैनल का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हुआ है, यानी कि वॉच टाइम आपका उन वीडियोस की मदद से कंप्लीट हुआ है और आपके चैनल के ऊपर इतना वॉच टाइम नहीं है कि आप अगर उस वीडियो को डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद आपका 4000 घंटे से कम का वॉच टाइम हो जाता है, तो उन वीडियोज को बिल्कुल भी डिलीट ना करें बल्कि उनको पढ़ा रहने दें, क्योंकि उन वीडियोज की मदद से अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है और आप उन वीडियोज को डिलीट करते हैं तो आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज हो सकता है। ये बात बिल्कुल 100% फैक्ट है, काफी लोगों के चैनल जो इस तरीके से डीमोनेटाइज हुए हैं। तो आपने अगर कोई वीडियो डिलीट करनी भी है अवन तो कोई भी वीडियो डिलीट ना करें, कोई ऐसी बेकार सी आपको वीडियो रखती है जिसके ऊपर कोई ज्यादा वॉच टाइम नहीं है और आप डिलीट करना चाहते हैं तो पहले अच्छे तरीके से अपने चैनल को चेक कर लें, और चेक करने के बाद ही जो है उन वीडियोज को डिलीट करें। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ओल्ड वीडियोज को बिल्कुल भी डिलीट ना करें, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कभी भी कोई भी वीडियो जो है वायरल हो जाती है, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर भी ऐसा मेरे साथ हुआ है कि काफी मेरी ऐसी मुझे डेड वीडियोज लगी कि वो डेड वीडियोज है, पड़ी रही और 6 महीने 8 महीने या साल के बाद जो इनके ऊपर व्यूज आना स्टार्ट हो गए और वीडियोज जो है वायरल की तरफ गई। तो आप पहले तो ये कोशिश करें कि कोई भी ओल्ड वीडियो उसको बिल्कुल भी डिलीट ना करें, और अगर आप करनी है तो पहले आप अच्छे तरीके से अपने चैनल को चेक कर लें और चेक करने के बाद जो है वीडियोज को डिलीट करें। रात सवाल ये कि आपकी जो ओल्ड वीडियोज है उसके ऊपर आपकी जो अर्निंग हुई है क्या वो अर्निंग चली जाएगी जिनके चैनल मोनेटाइज है। अगर आपकी ओल्ड वीडियोज है और उनके ऊपर जो अर्निंग हुई है तो वो अर्निंग जो है आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि अर्निंग जो है आपके जैसे ही आपका कोई व्यूवर आपकी वीडियो को देखता है तो उसके ऊपर जो ऐड आता है उस ऐड की मदद से जो है वो अर्निंग आती है, और आपका ऐड जब चल गया एक दफा तो उसकी जो अर्निंग है वो आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी रेवेन्यू के अंदर काउंट हो गई है। तो उस तरह से आपकी जो अर्निंग है वो बिल्कुल भी कट नहीं होगी, सिर्फ आपका जो वॉच टाइम होगा और आपकी जो वीडियो होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो ये तो हो गया वीडियो डिलीट करने का मामला। अब इसके अलावा जो थंबनेल वगैरह होते हैं, टाइटल वगैरह होते हैं, तो आप थंबनेल और टाइटल को जो है बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी वीडियो के ऊपर ये थंबनेल जो है अट्रैक्टिव नहीं है और आप उसको और ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं जिससे आपकी वीडियो के ऊपर और ज्यादा मजीद व्यूज आ सकते हैं, तो आप उसके थंबनेल को चेंज करें। थंबनेल चेंज करने से भी जो है काफी वीडियो जो है चल जाती है, और जो डेड वीडियोज पड़ी होती है उनके ऊपर भी व्यूज जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप थंबनेल बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटल वगैरह जो है उस टाइटल को भी आप चेंज कर सकते हैं, कि आपको लगता है कि आपकी वीडियो के ऊपर टाइटल सही नहीं है तो आप उस टाइटल को भी चेंज करके चेक कर सकते हैं कि आपके टाइटल चेंज करने से भी जो है पॉसिबल है कि आपकी वीडियोज के ऊपर जो है व्यूज और सब्सक्राइबर आ सकते हैं। तो टाइटल, टैग, थंबनेल जो है ये भी आप अपनी वीडियोस के ऊपर चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियोस के ऊपर टाइटल, टैग, थंबनेल जो है सही नहीं है, क्योंकि टाइटल, टैग, थंबनेल की मदद से भी जो है आपकी ओल्ड वीडियोस के ऊपर जो है काफी व्यूज है आ सकते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो ये आपको आज की वीडियो के अंदर बताना था कि ओल्ड वीडियोज जो है डिलीट करने का जो प्रोसेस था वो भी आपको समझा दिया है, और ओल्ड वीडियोज के ऊपर जो है थंबनेल, टाइटल वगैरह जो है वो भी आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।